सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नए साल 2020 का आगाज हो चुका है। देश के लोगों ने अलग अलग अंदाज में नया साल मनाया। वहीं समाजसेवी संस्था ने पाकिस्तानी शरणार्थियों के साथ नया साल मनाया। दिल्ली के मजनू टीला पर समाजसेवियों ने पहुंचकर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को सर्दी से बचने के लिए कपड़े, कंबल, जूते और खाने के लिए आटा, दाल, चीनी समेत जरूरी सामान बांटा। समाजसेवी संस्था से जुड़े एमएम पाल सिंह गोल्डी ने बताया कि शरणार्थी कैंपों में लोगों को कई तरह की परेशानी होती है और इसीलिए वो नया साल मनाने के लिए यहां आए हैं। वहीं पाकिस्तानी शरणार्थियों की कॉलोनी के प्रधान सुखनाथ ने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वो 2011 से यहां रह रहे हैं और नागरिकता कानून बनने से उन्हें बड़ी खुशी हुई है। इस मौके पर समाजसेवी संस्था से जुड़े दिनेश अरोड़ा, पंकज चड्ढा, सुखिंदर सिंह, सन्नी कुकरेजा, अजीत सिंह जौली, अमृतपाल सिंह, राजिंदर कटियार, रूबी सिंह और रेशमा समेत कई लोग मौजूद रहे। नए साल की लख लख बधाई। मैं जदों तो कई बार लंघना कि देखने लोग किवें रह रहे हैं, किचड़ है, गर्मी है, बरसात है, धोपे च रह रहे हैं, ठंड च रह रहे हैं, मेरे को रहा नहीं गया। मैं दोस्तों को कहा कि नवा साल आप मनाना है बजाय क्लबों के होटलों के। मेरे साथी मेरे नाल आए हैं सारे, सब ने वध चढ़ के सेवा की है। मेरे दोस्त दिनेश जी की माता जी बरसी सी, इन्होंने हर परिवार को 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, चीनी, आयल, सरसों का तेल सब कुछ दिता है, नमक भी दिता है, चाह पत्ती भी दिती है। 170 परिवारों ने समान दिता है। बाकी दोस्तों ने कंबल दिते ने, किसी जुराबा दितिया ने, किसी ने बूट दिते ने, सब ने बढ़ चढ़ के सेवा की है। तो ताकि मैं सोच रहा कि साढ़े भी जो पुरखे 47 इन्होंने कैंपा च रहे से, साडा फर्ज बनता है कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, ये पैगाम हमारा, अंधेरे में जो बैठे हैं फिर उन पर तो डालो रोशनी वालो, साड़ा फर्ज बनता है इन्हें सेवा करिए कि जो बंदे उस मुल्क तो उजड़ के आए हैं, साड़ा फर्ज बनता है। मैं अपना फर्ज निभाण आया, अपने गुरुआ के देश से आया। साढ़े गुरुआ ने कहा मानस की जात सब एक ही पहचानो। मैं गुरु साहब के देश से सेवा करने आया, दोस्तों ने लेके आया। मजनू टीले में 140 कैंप को मैं संभाल रहा हूँ, उसमें गोल्ड जी हमारे साथ आए हैं जिसने बड़ा राशन दिया हमारे को। सर्दियों के टाइम में चावल है, आटा है, कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, कंबल है, जितना भी सामान दिया है, बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। आगे के लिए कुछ होगा तो गोल्ड जी से मैं कुछ प्रार्थना करके ही, कुछ जो कुछ ज़रूरत होगी तो मैं उससे मांगूंगा। ये हम मना नहीं करेंगे, ये हमें देंगे। जय श्री यहाँ हमारे को आके हमारी बस्ती के अंदर आए हैं तो इतने बहुत प्यार दिया है। जो हमारी इतनी गरीब झुपड़ी में आ गए तो भगवान करेगा ये सुख। मैं 2011 से लगभग रह रहा हूँ और मजनू टीला में 2014 से रह रहा हूँ सर। ये नागरिकता का जो बिल हुआ है ये हमारे लिए बड़ा भाग्य का दिन है और आज पहली तारीख है, नया साल है, उनके धन्यवाद करता हूँ। और जो नागरिकता बिल हमारा पास हुआ है, जो दुनिया पार्टी विरोध कर रही है, मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करता हूँ कि हमारा विरोध ना करा जाए, हमारी नागरिकता सिटीजनशिप बनने चाहिए सर।